वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम ग्रिड को रिस्पॉन्सिव किस तरीके से जो है वो बनाते हैं टेलवेंड के अंदर। तो मैं यहाँ पे वीएस कोड के अंदर जो चला जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो मैंने कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रिड बनाया हुआ है, जो कि पिछली फाइल मैंने यूज की थी पिछली वीडियो के अंदर, ग्रिड वाली वीडियो के अंदर जो मेरा कोड यूज किया था वो सेम कोड में भी जो है वो इसके लिए जो है वो यूज कर रहा। तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे छह जो आइटम थे ग्रिड के अंदर वो मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए, मैंने यहाँ पे जो कॉलम थे वो यहाँ पे जो है वो थ्री बनाए हुए हैं। तो ग्रिड को जो है वो रिस्पॉन्सिव बनाना, अगर आपने बनाना है, आप कोई लेआउट वगैरह बना रहे हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। तो हम टेलवेंड के अंदर जो हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स की क्लासेस हैं उनको यूज करके हम ग्रिड को जो है वो रिस्पॉन्सिव जो है वो बना सकते हैं। तो लेट्स से कि अभी मेरे पास यहाँ पे तीन कॉलम्स जो है वो शो हो रहे हैं तमाम स्क्रीन के ऊपर, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी जो स्मॉल स्क्रीन हो उसके ऊपर जो है वो एक एक कॉलम जो है वो शो, यूजली ऐसे ही होता है जैसे हम कोई लेआउट बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे जैसी हमारी स्क्रीन जो है वो छोटी होती है यहाँ पे एंड के ऊपर, तुम्हारा यहाँ पे एक कॉलम जो है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है, एक ही आइटम जो है वो शो हो रहा होता है। तो हम उस तरीके से करें तो हम यहाँ पे इसको जो है वो रिस्पॉन्सिव जो है बना सकते हैं यूजिंग हमारे पास जो ब्रेक पॉइंट क्लासेस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जब स्मॉल स्क्रीन और एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन हो, तो मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम जो है वो शो, मतलब जो मेरे यहाँ पे छह डिव्स हैं वो तमाम एक ही उस तरीके से जो है वो शो हो जाए एक ही लाइन के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा ग्रिड कॉल्स वन। तो इसका मतलब यह होगा कि हमें यहाँ पे एक ही कॉलम जो है वो शो हो जाएगा इस तरीके से। देन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब जैसे ही मैं एम डी के ऊपर जाऊँ तो मुझे वहाँ पे जो है वो दो कॉलम जो है वो शो हो जाए, मतलब मेरे पास यहाँ पे जो कॉन्टेंट है ये एक मतलब दो शो हो जाए एक कॉलम के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कर लूंगा एम डी एंड देन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये दो हो जाए जब मैं इसके ऊपर जाऊँ कॉलम, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा एम डी ग्रिड कॉल्स टू। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम जो है यहाँ पे बन गए। इसको मैं अगर छोटा करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के ऊपर हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक एक कॉलम जो है वो आ रहा है ग्रिड के अंदर, और जैसे ही मैं एम डी के ऊपर जाऊंगा यहाँ पे एम डी के ऊपर मैं आ गया तो यहाँ पे हमारे पास इसके जो है वो दो कॉलम जो है वो यहाँ पे बन गए हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं एल जी के ऊपर जाऊँ तो मेरे कॉलम जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे एल जी का जो ब्रेक पॉइंट है वो यहाँ पे जो है वो यूज कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ग्रिड एंड देन उसके बाद यहाँ पे ग्रिड कॉल्स, मैं यहाँ पे थ्री जो है वो करना चाहता हूँ एल जी के ऊपर। सो मैं यहाँ पे थ्री करूंगा तो जैसे ही मैं एल जी के ऊपर यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास तीन कॉलम जो है वो हो गए। जैसे ही मैं अब एम डी के ऊपर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम हो गए। जैसे ही मैं यहाँ पे फिर स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर आऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम जो है वो हो जाएगा ग्रिड के अंदर। सो इस तरीके से जो है वो हम ब्रेक पॉइंट्स को यूज करके ग्रिड को जो है वो रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे जब भी हम कोई लेआउट वगैरह बना रहे होते हैं तो हम जो है वो ग्रिड को या हमारा जो फ्लेक्स होता है उसको रिस्पॉन्सिव जो है वो बनाते हैं ताकि जो हमारा कॉन्टेंट हो वो खुद ही ऑटो एडजस्ट जो है वो हो जाए स्क्रीन के हिसाब से। तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़े थे उनका यूज कर सकते हैं ग्रिड के अंदर, और ग्रिड को जो है वो हम रिस्पॉन्सिव जो है वो बना सकते हैं। सो ये चीज जो है वो आपको लेआउट बनाने में जो है वो हेल्प करेगी ताकि आपको जो लेआउट हो वो सही अच्छे से बन जाए, हर स्क्रीन साइज के हिसाब से जो है वो एडजस्ट जो है वो होता रहे। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ये समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।